हाँ तो बच्चों, हमने चौथा पाठ पढ़ा, इसका पठन और व्याख्या किया। तो ये पाठ एक काल्पनिक कथा पे आधारित है, जिसमें एक छोटी लड़की टीना, जो कि छत पे सो रही होती है, एक दूसरे ग्रह, दूर बसे ग्रह से एक प्राणी आता है तथा उससे पानी की मांग करता है, शुद्ध पानी की। उसको शुद्ध पानी अपने रॉकेट में डालने के लिए चाहिए था। टीना उसकी मदद करना चाहती है। वे उसको ले जाती है झील पे, नदी पे और कुएं पे, लेकिन उसे शुद्ध पानी नहीं मिलता है। कारण क्या था? सभी पानी अशुद्ध हो गए थे तरह तरह के रसायनों के कारण। मनुष्य तेजी से तरक्की करता जा रहा है, लेकिन उसने कभी भी प्रकृति का उपकार नहीं माना। उसने उसी पानी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया, जिसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। तो इसमें, इस पाठ में यही बताया गया है कि उसने काफ़ी प्रयास किया, अतः पानी न दे पाई। उसको कहाँ से पानी मिला अंत में? उसको अंटार्कटिका में। तो इसका अर्थ है कि जहाँ मनुष्य नहीं पहुँचे हैं, वहीं पृथ्वी के उसी हिस्से पे शुद्ध पानी बचा है। जहाँ जहाँ मनुष्य गए हैं, उन्होंने पानी को इस्तेमाल किया है तथा अशुद्ध किया है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पानी का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, उसको कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, अन्यथा भविष्य में हम सब शुद्ध पानी के लिए तरसते रहेंगे। और हम जानते ही हैं, बिना पानी के जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है, जल ही जीवन है। तो टीना को बड़ा अफसोस हुआ इस पाठ में, क्योंकि ये अफसोस क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणी, जो कि शायद पृथ्वी का मेहमान था, उसको एक बहुत ही साधारण सी चीज़, शुद्ध पानी तक नहीं दे पाई। तो आगे हम लोग इस पाठ के प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे मौखिक प्रश्न। बच्चों, मौखिक प्रश्न जो है, ये परीक्षा में आता है। इसको नोटबुक में नहीं करना है, और अधिकतर ये संक्षेप या छोटे प्रश्नों के रूप में आता है। इसका उत्तर हमें संक्षेप में लिखना होता है। संक्षेप मतलब लघु लघु उत्तर होना चाहिए, और जितना पूछा जाए उतना ही बताना चाहिए। इसको, इस उत्तर को जबरदस्ती लंबा नहीं करना है। जैसे इसका आंसर टू दी पॉइंट होना चाहिए। बच्चों, जैसे पहला वाला प्रश्न है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, टीना की छत पर कौन, कहाँ से और कैसे आया? इस प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला है कौन, दूसरा भाग है कहाँ से और कैसे आया। तो टीना के छत पर जीटो किसी दूसरे ग्रह, दूर बसे ग्रह से आया, और कैसे आया? रॉकेट से आया। तो टीना के छत पर जीटो किसी दूर बसे ग्रह से अपने रॉकेट पर आया। तो ये है, इसको नोटबुक में नहीं करना है, केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और एग्ज़ाम में लघु प्रश्नों के रूप में आता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख, जीटो ने टीना से क्या मांगा? तो इसमें उत्तर है शुद्ध जल, लेकिन कुछ बच्चे शुद्ध जल लिख देते हैं। ये ऐसे नहीं लिखना है, हमें पूरा वाक्य करके ही लिखना है। जैसे जीटो ने टीना से क्या मांगा, तो हम लिखेंगे जीटो ने टीना से शुद्ध जल मांगा। वाक्य पूरा होना चाहिए। कुछ बच्चे शब्दों में लिख देते हैं, इसीलिए नंबर पूरे नहीं आते। हमें पूरा कोई भी प्रश्न को पूरे वाक्य में लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। झील के पास पहुंचकर जीटू ने क्या कहा?
झील के पास जब वे पहुंचे तो प्रदूषित पानी देख के क्या कहा। उसमें सीटू ने कहा कि यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है, लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। तो ये थे, ये बात सीटू ने कहा था। तो उसी के शब्दों में हम लिखेंगे, झील के पास पहुंचकर सीटू ने कहा कि यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोग साबुन तथा हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। तो ये हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। नदी का पानी कैसा था? तो झील का पानी भी प्रदूषित था, शुद्ध नहीं था, उसी तरह नदी का पानी भी शुद्ध नहीं था। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि झील का पानी भी शुद्ध नहीं था, क्योंकि कारखानों का बचा रसायन नदी में बहाया जा रहा था तथा नदी का जल जहरीले रसायनों से भरा हुआ था। तो ये था नदी का, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, नदी का पानी अशुद्ध था क्योंकि उसमें तरह तरह के कारखानों के बचे रसायन मिले हुए थे। तो एक दूसरा तरीके से भी लिखने का तरीका है। अगले हम लोग आ जाते हैं, टीना दुखी क्यों हो गई? तो टीना के दुखी होने का क्या कारण था? मैंने बताया था, मदद ना कर पाना। किसकी मदद नहीं कर पाई? जीटो की। जीटो कौन? पर ग्रह से, दूसरे दूर बसे ग्रह से आया एक प्राणी था। तो जब व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर पाता है तो ज़रा उसको दुख होता है। वो भी अगर कोई साधारण सी चीज़, पानी जैसी साधारण चीज़ भी अगर कोई अपने मेहमान को न दे पाए तो दुख का अनुभव होता है। तो इस कारण हम कहेंगे टीना इसलिए दुखी थी क्योंकि उसने जीटो को शुद्ध जल नहीं दिया था, क्या शुद्ध जल नहीं दिलवा पाई, इस कारण से टीना दुखी थी। तो बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखित इसको बुक में ही करना है, अगर आपके पास बुक है तब, अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, नोटबुक में इसको हम लोग करेंगे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। तो ये सब लिखने वाला है लिखित, इसको नोटबुक पे करना है अच्छी हैंडराइटिंग में। स्कूल खोलने पे नोटबुक चेक करेंगे तथा उसके बेस पे ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट के असेसमेंट वाला जो है प्रोजेक्ट और नोटबुक के मार्क्स इसी के बेसिस पे होगा। ये मैं फिर से बीच बीच में इसीलिए याद दिलाता रहता हूँ कि काम कंटिन्यूस करना है। स्कूल खुलने पे नोटबुक के मार्क्स भी मिलते हैं, तुमने देखा हुआ है रिपोर्ट कार्ड में कॉलम है, तो इसको साथ साथ करते जाना है। पहला वाला है, सीटो ने टीना को जगाया क्योंकि, पहला, वह टीना की मदद करना चाहता था, वह टीना से मदद चाहता था, वह टीना का दोस्त था। तो हम लोग इसमें टीना का तो दोस्त नहीं था, पहली बार ही आया था, तो इसीलिए ये तो एकदम सही नहीं है। वह टीना से मदद चाहता था, ये सही है, वह टीना को मदद करना चाहता था क्योंकि टीना की किसी, टीना को कोई समस्या नहीं थी कि उसकी कोई, उसको मदद की ज़रूरत थी, तो ये भी गलत है। तो हमारा बीच वाला भाग ही सही है, वह टीना से मदद चाहता था, वह टीना से मदद चाहता था, तो ये भाग सही है। आगे चलते हैं, लोगों को पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि, पहला है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, पानी की मात्रा कम है। तो एक अंतिम वाला सही नहीं है, पृथ्वी पर 70% भाग पे 70% भाग पे पानी है, लेकिन वो पानी शुद्ध नहीं है।
वो समुद्र का पानी है, खारा पानी है, उसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए तथा पीने के लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये तो गलत है कि पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा तो बहुत है लेकिन शुद्ध पानी की बात की जा रही है। दूसरा है, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ये बात सच है ये भी, लेकिन इसमें जब पानी की के बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 70% भाग पे पानी ही है, तो इसीलिए हमें ये इतना सही उत्तर नहीं है, पहला ही भाग सही है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ शुद्ध पानी की बात कर रहे हैं। पाठ में भी बताया गया कि हमारे पास नदियाँ हैं, झील हैं, कुएँ हैं, पानी के स्रोत तो बहुत हैं लेकिन शुद्ध स्रोत की कमी है। तो शुद्ध पानी की कमी है, तो इसीलिए पहला भाग हमारा सही है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वो कारखानों के रसायन तथा कीटनाशक, रासायनिक खाद, इन सब का बहुत प्रयोग कर रहा है। ये सारे आखिरी में बरसात से बह के सब नदियों में चले जाते हैं ना, और भूमिगत जल में चले जाते हैं, जो मैंने बताया था पहले पाठ में। तो इसीलिए सबसे सही उत्तर है, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, तो ये इसको ही टिक करेंगे हम लोग, शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो बच्चों इसको कर लेना, यही होमवर्क है हमारा, और कल हम लोग इसके शेष प्रश्न करेंगे, लिखित प्रश्न जो हैं, जो कॉपी पे नोट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।